हरियाणा में काम में लापरवाही बरतने वाले सीएम फ्लाइंग के निशाने पर हैं और इसी के चलते टीम ने हाल ही में कई जगहों पर रेड भी मारी है। यमुनानगर और भिवानी में टीम के एक्शन पर देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सोमवार को भिवानी और यमुनानगर में टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट सांख्यिकी अधिकारी के साथ बिजली निगम पहुंची, जहां दफ्तर से एक्सीएन और सुपरिटेंडेंट ही गायब मिले। निगम में काम कर रहे 21 कर्मचारियों में से 7 कर्मचारी भी नहीं दिखे। कुछ ऐसा ही हाल जन स्वास्थ्य विभाग में भी देखने को मिला। फ्लाइंग टीम जब यहां पहुंची, तो डिवीजन 1 के 25 में से 5 कर्मचारी और डिवीजन 2 में भी एक्सीएन समेत 7 कर्मचारी ड्यूटी से गायब पाए गए। ये जो है ना पब्लिक हेल्थ डिवीजन नंबर 2 से एक्सीएन साहब बिना सूचनार्थ ऑफिस में कार्यालय से मतलब जिला से बाहर हैं, जैसे उनसे टेलीफोनिकली संपर्क किया गया तो इस बारे में उनसे तुरंत स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया। इभानी के साथ ही सीएम फ्लाइंग की टीम का एक्शन यमुनानगर में भी देखने को मिला। यहां कई प्लाईवुड फैक्ट्रियों में कार्रवाई हुई है। दरअसल इन फैक्ट्रीज को लेकर टीम को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। प्लाईवुड फैक्ट्रीज में टेक्निकल ग्रेड यूरिया की जगह किसानों के सब्सिडी वाले यूरिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल जारी है। लगातार हो रही कार्रवाई में अब तक लगभग 100 प्लाईवुड फैक्ट्री इसी के चलते बंद भी कर दी गई है। सबसे बड़ी समस्या है रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, महंगा भी ज्यादा हो गया, माल सही रेट पे बिक नहीं रहा, चला के भी नुकसान, बंद करके भी नुकसान। इस तरह का कोई टेक्निकल ग्रेड यूरिया को छोड़ के दूसरा कोई एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया या उसका कोई मिसयूज उस टीम को जो ज्वाइंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने किया था नहीं मिला। लेकिन एक जगह बाहर से खाद ला के यूपी से अवैध स्टॉकिंग की गई थी, उसके खिलाफ हमने FIR करवाई है। और दूसरा परसों जगाधरी रोड पे भी बाईपास पे भी हमें कुछ इनपुट था तो वहाँ भी हमने रेड किए। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम प्रदेश में लगातार अलग अलग विभागों की टीम के साथ एक्शन में जुटी है। कार्रवाई से साफ जाहिर है कि प्रदेश की मनोहर सरकार किसी भी विभाग में हो रही कोताही को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन और यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।